गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं आप सब वेलकम टू द बीएसपी फार्मेसी मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है जल्दी बताएंगे मुझे ओके विद इन फाइव मिनट सभी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास को अटेंड करेंगे जल्दी लाइव में ज्वाइन होंगे पाँच मिनट के अंदर फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके कितनी बार बोलोगे गौरव पाल इतनी बार आपने गुड इवनिंग लिख दिया है नीरज कुमार गुड मॉर्निंग हो रहा है कि गुड इवनिंग हो रहा है कॉलेज कब स्टार्ट होंगे बहुत स्टूडेंट्स के कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जिनका सी के थ्रू एडमिशन हुआ है तो अपने कॉलेज में पता करिए कि कॉलेज आपके कब शुरू होने वाले हैं ठीक है कॉलेज में पता करिए आप लोग अपने मुस्कान कॉलेज में अपने पता करिए बहुत ही यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस चल भी रही हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में होंगे ये कन्फर्म है तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आपको पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना है फिर एक बार और पढ़ना है क्विक रिविजन भी पढ़ना है तो आपको दोनों तरीके से कंप्लीट कर लेना अपना कोर्स जिससे कि आप एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओ ओके क्या बोल रहे हो सौरभ प्रजापति फ़ार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लेक्चर कब आएगा मैम कभी नहीं आएगा बेटा एप्लीकेशन पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं तो प्ले स्टोर से बी एस पी फार्मेसी ऐप डाउनलोड डौ, डौ, करो कोर्स ज्वाइन करो वहाँ एनालिसिस की क्लास अटेंड करो नोट एन आई एस स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर बी फार्मा बेटा इसके बारे में तो मुझे नहीं है मालूम एलिजिबल है या नहीं है चलो काफी सारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट सिंपल वे में आपको यहाँ पे शो कर रहा है बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है एक तरीके से ऐसे हम बोल सकते हैं हमारे हम जो एक हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए किस किस पार्ट किस किस पथ पे चलना होता है ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है क्या क्या चीजें नेसेसरी है एक ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो वो यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये सारे पॉइंट्स नेसेसरी ही नेसेसरी है अगर इनमें से एक भी पॉइंट नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा जि जिंदा नहीं रह सकता है हम ऐसे बोल सकते हैं ना मान लो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है अब भाई हम तो घूमते फिरते आदमी हैं अगर हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो हमारी हड्डियां जाम हो जाएगी है मांसपेशियां काम नहीं करेंगी तो अगर एक पर्सन कभी मूवमेंट ही ना कर पाए तो क्या होगा क्या होगा बहुत सारी चीजें क्रिएट हो सकती हो सकती है क्योंकि जब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम वो जिंदा रहेगा कुछ टाइम बाद उसको जाना ही जाना है फिर ऊपर पहुंच जाएगा आपकी बॉडी में इनमें से एक भी पार्ट अगर डिस्टर्ब है तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में आपको दिक्कत आ सकती है चलो वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे तो यहाँ डायग्राम के थ्रू आप लोग क्या समझ रहे हो हमने स्ट्रक्चर बनाई हुई है मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्शन रेस्पायरेशन एक्सक्रिएशन और जी रिप्रोडक्शन हर एक पॉइंट हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है अब मान लो आप मेटाबॉलिज्म ले लो ये जी मेटाबॉलिज्म है ये पॉइंट ले लेते हैं कि हमारे लिए मेटाबॉलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है अब जो है रोज आप इतना ज्यादा ठूसते हो कभी पिज्जा खा रहे हो बर्गर खा रहे हो कभी खाना खा रहे हो पूरे दिन मुंह चलता ही रहता है तो सुबह से लेकर जो शाम तक आपने खाया अगर उसे बॉडीज जितने पार्ट को जितने न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो रख लिया वेस्ट अगर आप बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना कर पाओ आपकी बॉडी में आपने एक बर्गर खा लिया एक प्लेट चाउमीन खा ली कुछ देर बाद रोटी सब्जी खा ली फिर आपने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले ली फिर आपने पानी पी लिया अब इतना सारा अपने पेट में इतनी सारी चीजें आपने रख ली इनमें से कोई भी ब्रेकडाउन ना हो ब्रेकडाउन इन द सेंस ये आपने बर्गर खाया अब हमें हमारी बॉडी को इसको तोड़ने के लिए मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म क्या करती है ग्रुप ऑफ स्ट्रोंगेस्ट प्रोटीन ब्रेक डाउन इन स्मॉलर प्रोटीन ये एक प्रोटीन के बड़े ग्रुप को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस बर्गर को छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ना बर्गर के हमने 100 पीस कर दिए तो वो क्या कहलाएगा कैटाबॉलिज्म कहलाएगा बर्गर है हमारे पास अब खाने के लिए 100 आदमी एक बर्गर इतना इतना सबके पास जाएगा है ना तो यहां पेट के अंदर क्या चीजें हो रही है उस बर्गर को तोड़ने के लिए मेटाबॉलिज्म हो रहा है मेटाबॉलिज्म कौन सी प्रोसेस से हो रहा है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बड़ी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है समझ में आ रही है, ही 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 ही। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आओ आगे तो यहां भाई बेसिक लाइफ प्रोसेस बस यही बात है कि हमारे हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर हम हैं हमें जीवन जीने के लिए ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए नेसेसरी ही नेसेसरी है नेसेसरी मतलब ज़रूरी ही ज़रूरी है ये पॉइंट अगर इनमें से कोई सा कोई सा भी डिस्टर्ब होता है तो हमारी बेसिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है कौन कौन से हैं जी मेटाबॉलिज्म मूवमेंट डिफ्रेंसीशन रेस्पॉन्सिवनेस रिप्रोडक्शन ग्रोथ एक्सक्रिएशन होम्योस्टेसिस डाइजेशन ठीक है इतने पार्ट आपको यहां पे भी दिख रहे हैं ओके आगे आ जाओ आगे यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है सिंपल वे में द बेसिक लाइफ प्रोसेस ऑफ लाइफ इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन

ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्सिवनेस मूवमेंट रिप्रोडक्शन और ह्यूमंस के अंदर हु रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस ह्यूमंस के अंदर तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेशन क्रिएट होता है क्योंकि इसमें और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती हैं जैसे कि ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन रेस्पायरेशन डाइजेशन एक्सक्रिएशन तो ये सारे पॉइंट बेसिक लाइफ प्रोसेस के ही पार्ट हैं ठीक है ओके ऑल ऑफ दीज प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड नो पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल टू ए कंप्लीट बॉडी सिस्टम वर्क इन आइसोलेशन ऑल फंक्शन टूगेदर इन फाइन ट्यून बैलेंस फॉर द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू मेंटेन लाइफ डिसीज सच एज कैंसर एंड डेथ रिप्रजेंट आर डिस डिसरप्शंस ऑफ द बैलेंस इन द प्रोसेस अब भाई ये क्या बोल रहा है इनने एक चीज बोली है यहां पे ध्यान से देखिएगा पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल आप लोग को पता ही है एक ह्यूमन बॉडी है उसकी स्मोलेस्ट यूनिट क्या होती है स्मोलेस्ट यूनिट क्या होती है बताइए जल्दी फास्ट आंसर करेंगे वट इज द स्मोलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी एक का भी आंसर नहीं आया है अभी स्मोलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी जल्दी 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 ओके किसका आया है विकास का आया है आंसर टेक्निकल काजू और आकाश आकाश का आंसर आया है टिश्यू बेटा आपको टिश्यू क्यों लगता है स्मॉलेस्ट यूनिट टिश्यू से भी तो छोटा पार्ट होता है ना ओनली फैक्ट का आंसर आ गया है मुस्कान का और जी आपका आ गया है विपुल नीरज ओके सबने आंसर दे दिया ठीक है टिश्यू क्यों लगता है आपको ये बताइए मुझे हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी है इसका एक छोटा कण आप अगर ले रहे हो छोटा कण सेल है और सेल से मिलकर के ही तो टिश्यू बनता है ग्रुप ऑफ सेल ये क्या है ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएगी जी टिश्यू बनाएगी तो यहां वाली बात कर रहे हो आप आपने ये तो छोड़ दिया सबसे स्मोलेस्ट यूनिट छोड़ दी तो यहां क्या बोल रहा है स्मोलेस्ट सेल टू द टू कंप्लीट बॉडी सिस्टम वर्क इन आइसोलेशन ऑल फंक्शन टुगेदर इन फाइन टू इन बैलेंस ट्विन इन बैलेंस तो ये क्या कह रहा है जो बेसिक लाइफ प्रोसेस में सभी बॉडी पार्ट या हमारे बॉडी के सारे सिस्टम एक बैलेंस में काम करते हैं अगर डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है रीनल सिस्टम है एक साथ सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं है काम सबका अलग है लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक हट जाता है आप रेस्पायरेशन को ही हटा दो तो क्या आप जिंदा रह लोगे नहीं रह पाओगे आप डाइजेशन को हटा दो क्या आप जिंदा रह लोगे नहीं रह पाओगे तो यहाँ कहने का सिंपल मतलब ये है कि ये एक ट्विनिंग बना करके काम करते हैं ठीक है ओके okay. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सेल में किसी भी तरीके का कोई भी डिसफंक्शन हो रहा है आपको पता है कि कैंसर कैसे कॉज होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल है ना ये सेल है हमारी अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो उसको कैंसर होता कैसे है इसलिए होता है कि सेल की जो से, जो सेल होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है अगर सेल डिवीजन में एक से दो सेल बनानी होती है तो कैंसर में क्या होता है एक सेल से पचास सेल बनती है तो वहां कैंसर होता है। इस सेल का डिसबैलेंस हो जाना सेल डिवीजन अत्यधिक अधिक हो जाना अनकंट्रोल हो जाना कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा कोई प्रॉब्लम यहां तक ग्रोथ ऑफ सेल नहीं बेटा अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल ग्रोथ ऑफ सेल तो बात अलग हो गई यहां ये हमारी सेल है छोटे बेबी की सेल है एक इन्फेंट की इन्फेंट मतलब नवजात शिशु इसकी सेल है एक हो गया एक हो गया अडल्ट सेल ये हो गया अडल्ट सेल ग्रोथ का मतलब समझ लीजिए दिस इज इन्फेंट दिस इज अडल्ट एंड दिस इज ओल्ड एज अब यहाँ पे सेल की ग्रोथ कैसे हो रही है कैसे हो रही है सेल की ग्रोथ जो इन्फेंट है ऑबेसिकली बात है इनकी सेल्स कितनी होंगी कम होगी धीरे धीरे सेल्स ग्रोथ होती है धीरे धीरे इन्फेंट बड़ा होता शुरू कर देता है तो यहाँ पे सिंपल बात यह है जी सेल की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है ग्रोथ ग्रोथ हो रही है तो इन्फेंट से चाइल्ड बन रहा है चाइल्ड से एडल्ट एज में आ रहा है तो एक प्रोसेस चल रही है ग्रोथ प्रोसेस नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वो चल रही है लेकिन यहाँ आ जाए अनकंट्रोल ग्रोथ अनकंट्रोल अब यहाँ भाई इन्फेंट को पांच सेल की जरूरत है चाइल्ड बनने में हम एक सपोज कर सपोज मान रहे हैं दस सेल की जरूरत है अडल्ट बनने में तो यहां पे हो क्या रहा है एक इन्फेंट से रिलीज हो रही है पांच सौ सेल चाइल्ड बनने के लिए अब चाइल्ड से अडल्ट बनने के लिए पांच हजार सेल बन रही है तो यहां कोई ना कोई डिसबैलेंस है कोई ना कोई डिसीज के कारण ऐसा हो रहा है तो ये कैंसर कोज करती है ये प्रॉब्लम अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल कोज कैंसर डिसीज इज दट क्लियर क्लियर हो रहा है सभी को मैम मैं यूपी बोर्ड से हूं और इंग्लिश नहीं आता है मुझे तो बेटा यहाँ जितने भी वर्ड इंग्लिश में लिखे हैं सभी के मीनिंग में हिंदी में आपको बता ही रही हूं तो ध्यान से लेक्चर को सुनो और देखो तब आपको जाकर के समझ में आएंगी चीजें ऐसे हवा हवा में कुछ चीजें देख रहे हो फोन लेके सामने बैठे हो तो नहीं हो पाएगा बेटा आगे आ जाओ वन बाय वन करके हम एक एक पॉइंट को देखेंगे ठीक है पहला पॉइंट है आपका जी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है एक एटम से एटम क्या है आप केमिस्ट्री में कई के बार पढ़ चुके हो आप जो कुछ भी देख रहे हो जितना भी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट कण सबसे छोटा कण एटम कहलाता है तो यहाँ भी वही बात है आपका जो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है इसका सबसे छोटा कण क्या है एटम लेकिन यहाँ हम अपनी बॉडी ह्यूमन बॉडी या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल बोलते हैं सेल बोलते हैं इसलिए सेल बोलते हैं कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है तो डायरेक्ट यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन आप लोग अगर यहां से पहले एक्सप्लेन कर दो आपको पता है कि भाई सेल से आगे भी कुछ कुछ होता है तो और ज्यादा अच्छी बात है अगर आप यहाँ से भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं यहां से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है आगे आ जाओ अब पढ़ेंगे इसको पूरा कंप्लीट एटम सबसे छोटा कण है अब कई सारे एटम मिलकर के बनाएंगे मोलिक्यूल क्या बनाएंगे जी मोलिक्यूल्स कई सारे एटम ग्रुप ऑफ एटम मेक मोलिक्यूल अब ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल्स मेक क्या बनाएगा मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएगा कई सारे ग्रुप मिलकर के मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे अब ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मेक ऑर्गेनिल्स अब ये भाई ऑर्गेनिल्स क्या है इसमें भी आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे ओके आकाश क्या बोल रहे हो आप आई एम परफेक्टली नो इंग्लिश चलो भाई अच्छी बात है वेरी गुड आनी चाहिए लेकिन जितने स्टूडेंट्स को नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है आपको ये लेक्चर इंग्लिश भी और हिंदी में भी दोनों तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से मैं एक्सप्लेन आपको आपको कर रही एटम एटम मैंने आपको बता दिया सबसे छोटा कण है अब कई सारे एटम मिलकर के मोलिक्यूल्स बनाएंगे अब कई सारे मोलिक्यूल ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल्स मेक मैक्रो मोलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स मेक ऑर्गेनिल्स अब ऑर्गेनिल्स क्या है तो थोड़ा सा हम सेल की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं यहां बनाते हैं हम सेल ये हो गई जी हमारी सेल इसके अंदर है न्यूक्लियस तो जी ये है हमारा न्यूक्लियस इसके अंदर बनाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया दिस इज माइट्रोकॉन्ड्रिया दिस इज गोल्गी बॉडी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया कुछ गोल्गी बॉडीज बना ली दिस इज लाइसोसोम्स दिस इज राइबोसोम्स ठीक है जब हम सेल को कंप्लीट पढ़ेंगे इनकी स्ट्रक्चर बाद में कर लेंगे अब हम अभी अभी हम ऑर्गेनि की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज की ऑर्गेनल्स का क्या मतलब होता है ये जो आपकी सेल है सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये राइबो ये राइबोसोम्स हैं और जी यहाँ मैंने ये गोलगी बॉडी है ये लाइसोसोम्स हैं तो ये अलग अलग क्या है ये अलग अलग ऑर्गेनिल्स है बेटा जी ऑर्गेनिल्स इनको बोलते हैं तो यहाँ इनने बोला है ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मेक ऑर्गेनिल्स। तो यहाँ अलग अलग ऑर्गेनिल्स बन गए अब इन सभी का ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिल्स मेक सेल बात समझ में यहां देखो कितने सारे ऑर्गेनिज आपको इसके अंदर दिख रहे हैं अब इनका ग्रुप बना रहा है सेल पूरी सेल क्लियर जल्दी विपुल प्रजापति क्या बोल रहे हो आप क्या पता है आपको ये यहां बातें क्यों चल रही है आप लोग पढ़ने आए हो कि यहाँ कर क्या रहे हो ये बताओ पढ़ना है जिसको यहां पे रह के आराम से पढ़ो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो अभी मैं यहाँ चैट सेशन ऑफ कर दूँ फिर फिर क्या होगा है भाई ये बोलो तो भाई आराम से पढ़ लो लाइव क्लास है जितने स्टूडेंट्स को डाउट है वो यहाँ डाउट क्लियर करो बात ना करें फालतू की एजुकेशनल चैनल है तो इसे एजुकेशनल ही रहने दो फालतू की बकवासें करनी है तो दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे जाइए जो एजुकेशनल नहीं है यहाँ सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है आप लोग यहाँ फालतू की बातें करोगे मतलब ही क्या रहेगा किसी भी चीज का इसीलिए यहाँ यूट्यूब पे लाइव सभी क्लासेस का मेन मकसद लेने का ये है ये नहीं है क्योंकि जब तक आप पैसा देते हो ना किसी चीज़ को उसकी आपको वैल्यू रहती है और जब तक आप फ्री में कोई चीज़ ले रहे हो उसके आप कभी वैल्यू नहीं करोगे आप एप्लीकेशन पे इक्कीस सौ रुपये पेमेंट करके कोर्स में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वहाँ ईजिली और बिल्कुल आराम से आप वहाँ क्लासेज अटेंड करते हो चाहे कितना भी शरारती बच्चा हो क्यों क्योंकि भाई मैंने वहाँ इक्कीस सौ रुपये पेमेंट करी है इसलिए मैं जो भी वहाँ कंटेंट पढ़ूंगा बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगा अब यहाँ दे दिया आपको फ्री में तो आपको वह हजम नहीं होती चीज़ें है ना तो शांति नहीं रख पाते आप लोग किसी भी चीज़ की इससे अच्छा तो वहीं आप पेमेंट करके ज्वाइन करो देखो जितने स्टूडेंट्स हैं फालतू हैं बिल्कुल क्लास मेरी अटेंड ना करें अभी बता दे रही नहीं तो चैट सेशन में कल से ऑफ कर दूंगी बिल्कुल आप लोग जो अच्छे बच्चे हैं इनकी बातों पे ध्यान ना दो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग डिस्टर्ब करते हैं पूरी क्लास को ऐसे स्टूडेंट्स आ जाओ सेल तक हमने कंप्लीट बात कर ली कि भाई हमारा सेल आ, बन कैसा रहा, बन कैसे रहा है तो कैसे बन रहा है हमारा सेल ग्रुप ऑफ अब सेल से बनता है जी टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू कई सारे ये एक सेल है दो सेल तीन सेल ग्रुप ऑफ सेल मिल करके बना देगी टिश्यू अब कई सारी टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक ऑर्गन यहाँ टिश्यू का ग्रुप बनाएगा ऑर्गन तो देखो एक स्टूडेंट ने मुझे अभी मतलब चैट में बोला था कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी टिश्यू टिश्यू देखो कहाँ पे आ रहा है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या तो आप सेल बोल सकते हो या फिर आप एटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो ये और ज्यादा बेटर है इससे जब आप एग्जाम में लिखोगे इससे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही आता है है ना हम्म आ जाओ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक ऑर्गन सिस्टम टोटल कितने बॉडी सिस्टम होते हैं हमारे टोटल भाई इलेवन बॉडी सिस्टम होते हैं तो ये ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक ऑर्गेनिज्म क्लियर ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक ऑर्गेनिज्म यहां पे क्लियर हो गई बात तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है ये चलिए जी पहला पॉइंट आपके पूरा क्लियर कर दिया मैंने आगे आ जाओ ठीक है मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडी वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इज

सब्सट में स्मूलर कंपाउंड में हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स से ब्रेक डाउन कर दिया किसमें छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको तोड़ दिया तो यह प्रोसेस क्या कहला रही है जी कैटाबोलिज्म यहां तक क्लियर तो अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो जो फैट है कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है उनको अगर आप जो इनटेक कर रहे हो अगर उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो बॉडी में जो एनर्जी बन रही है ये क्या करता है ब्रेकडाउन करने के बाद एनर्जी रिलीज करता है और होल बॉडी में ट्रांसफर की जाती है अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा आपको एनर्जी मिलेगी कहाँ से अगर न्यूट्रिशन आप ले रहे हो और मेटाबॉलिज्म यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रही है तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी प्लस आपका जो फूड इनटेक आपने किया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही बना रहेगा और बॉडी से ना तो वो बाहर जा पाएगा और ना ही बॉडी के अंदर रह पाएगा ठीक है जी आगे आ जाओ अगले पॉइंट पे ये है आपका रेस्पॉन्सिवनेस रेस्पॉन्सिवनेस इन देंस क्या है रेस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी इज कंसि विद डिटेक्टिंग चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट दट रिएक्टिंग टू द चेंज इट इज द एक्ट ऑफ सेंसिंग स्टूमुलस एंड रेस्पोंडिंग टू इट क्या है इसका मतलब रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब आपकी बॉडी किस तरीके का रेस्पॉन्स प्रेजेंट कर रही है रिस्पॉन्स दे रही है अब मुझे हाथ उठाना है हाथ मुझे नीचे करना है मुझे अपने सिर में हाथ लगाना है मैं जो मेरा मन कर रहा है वो सारी चीज़ें हो रही है एक चीज़ तो ये हो गई हम एक अलग तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है अब हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ एक अलग तरीके का और रिस्पॉन्स होता है यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बॉडी का अगर बाहर बॉडी के बाहर मतलब अपने चारों तरफ एनवायरमेंट क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बॉडी अपने अंदर क्या करेगी ठंड पैदा करने की कोशिश करेगी मतलब बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करेगी तो यह रिस्पॉन्स ये जनरेट हो रहा है अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट गर्म है तो बॉडी इंटरनल एनवायरमेंट को ठंडा रखने की कोशिश करती है अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट ठंडा है तो बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को गर्म रखने की कोशिश करती है तो ये हो गया एक तरीके का रेस्पॉन्स कि भाई ये रेस्पॉन्स आ रहा है बाहर हमें पता चल गया कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बॉडी अंदर क्या करेगी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद ये हमें पता चल गया बाहर गर्मी है तो बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट से स्वेटिंग शुरू कर देगी पसीना आना शुरू हो जाएगा जिससे अंदर का एनवायरनमेंट ठंडा रह सके ठीक है बात क्लियर क्लियर है तो आगे आ जाइए जी भाई ओके वहीकेस् मूवमेंट मूवमेंट देर आर मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट विद इन द बॉडी ऑन द सेल्यूलर लेवल मोलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ब्लड मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनादर दैट डायफॉर्म मूव विद एवरी ब्रीथ द एबिलिटी ऑफ मसल्स फाइबर्स टू शॉर्टन एंड डज टू प्रोवाइड मूवमेंट कॉल्ड कॉन्ट्रेबिलिटी कॉन्ट्रेक्टलिटी अब इस डेफिनेशन में सिंपल अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है सेल्यूलर लेवल मोलिक्यूल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर जो सेल्स हैं सेल्स हैं वो मूव करती हैं एक प्लेस से अनादर प्लेस में ब्लड मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनादर ब्लड पूरी बॉडी में हमारे पूरे शरीर में ब्लड है तो ये भी क्या करता है मूवमेंट करता है एक पार्ट से एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूवमेंट कर रहा है द डायाफॉर्म मूव विद एवरी ब्रीथ अब जो डायाफार्म है अब डायफॉर्म क्या होता है भाई जो हमारी लंग्स है ये क्या है हमारे लंग्स लंग्स के नीचे कुछ इस तरीके का डायाफार्म होता है ठीक है तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर पाएंगे क्या हाँ थोड़ा सा कर सकते हैं चलो तो कर लीजिए ये लीजिए ये हमने बना लिया डायफ़्राम ओके अब इसमें क्या हो रहा है अब जो ये डायफ़्राम है जब हम सांस लेते हैं इसको थोड़ा कंप्लीट बना लेते हैं अरे मिट्टी का कैसे ठीक है अब ये हो गई हमारा लंग्स और ये हो गया हमारा ट्रैकिया ठीक है अब जब हम सांस लेते हैं आपको पता ही है हम ऑक्सीजन को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर छोड़ते हैं अब ऑक्सीजन आ रहा है इसके अंदर अंदर आया प्रोसेस यहाँ पे चलेगी जब रेस्पारेटरी सिस्टम पढ़ेंगे इसके अंदर कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है वो हम तब देखेंगे थ्रू गैस एक्सचेंज होती है वो प्रोसेस आगे की उसको छोड़ो अभी हम डायाफार्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये डाया कैसे काम करता है तो एज अ गुब्बारे की काम गुब्बारे की तरह काम करता है जो बलून होता है जब हम उसको फुलाते हैं तो उसमें हवा भरनी शुरू हो जाती है मोटा होना शुरू हो जाता है वो तो यहाँ जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो ये जो डायाफार्म है ये नीचे की तरफ झुक जाता है ये जो डायाफार्म है नीचे की तरफ झुक जाता है और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मुंह से छोड़ते हैं बाहर तो ये ऊपर की तरफ झुक जा ऊपर की तरफ बैंड हो जाता है जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो नीचे की तरफ क्योंकि इसमें हवा भर भरी होती भर भरी जाती है ना तो डाइफाम नीचे की तरफ फूल नीचे की तरफ चला जाता है फूल जाता है ये इस तरीके से और जब सांस छोड़नी होती है जैसे हम बलून में हवा भर दी और उसको ऊपर बंद करके रख लिया और जब हम उसमें से हवा छोड़ेंगे तो पतला होना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा ना तो यहाँ जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर करेंगे तो डायफॉर्म ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां ये बोल रहे है कि मूवमेंट कर रहा है एवरी ब्रीथ पे भाई हम सांस तो मिली मिलेगी सेकेंड में के अंदर ही लेते हैं ना तो सांस के अकॉर्डिंग ब्रीथ के अकॉर्डिंग एवरी ब्रीथ पे ये डायफॉर्म मूवमेंट करता है आगे आ जाओ <laughs> रीप्रोडक्टिव सिस्टम वन जनरेशन मेक्स टू अनादर जनरेशन टू पेरेंट मेक ऑफ स्प्रिंग थ्रू अरेस्पायरेटरी थ्रू अ रीप्रोडक्टिव सिस्टम है ना अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है द मोस्ट पीपल रिप्रोडक्शन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पर्सन पॉइंट इज हाईलाइटेड द बर्थ ऑफ ए बेबी इन दिस वे लाइफ इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए बॉब्रोडर सेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंस

स्पर्म सेल्स और ओवम, ओवम किसमें होते हैं फीमेल में और स्पर्म किसमें होते हैं मेल में दोनों फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से एक कंप्लीट ऑफ स्प्रिंग तैयार होता है तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सिंपली एक नई जनरेशन एक न्यू बोर्न एक बेबी को जनरेट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सिंपली एक नई जनरेशन को लेके आ रहे हैं ठीक है जी आगे आ गया जो। ओके, ग्रोथ यहां ग्रोथ दो तरीके के आपको डा, डायग्राम दिख रहे हैं दिस इज सेल डिवीजन, एक सेल cell से सेल्स डिवीजन हो रहा है फिर बाकी सेल से डिवीजन हो रहा है अब सेल ग्रोथ क्या कर रही है एक छोटी सेल्स है वो ग्रोथ करके थोड़ी बड़ी हुई फिर ग्रोथ करके थोड़ी बड़ी हुई इस तरीके से सेल की ग्रोथ हो रही है तो यहां सेल ग्रोथ प्लस डिवीजन, दोनों चीजें होती है इसको हम सेल प्रोलीफ्रेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं सेल प्रोली प्रोली सेल की ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ में डिवीजन भी हो रहा है इन्फेंट में से ही तो होता है भाई वो ग्रोथ भी कर रहा है और सेल एक दूसरे से डिवीजन होके और बढ़ भी रही है ऑर्गन्स बाकी और भी बड़े होते हैं सारे काम होते हैं ना यस टेक्निकल काजू टू फॉर्म जायगोट बिल्कुल ये हर एक बॉडी सिस्टम हम डीपली डिस्कस करेंगे अभी बस ऊपर ऊपर से इसलिए बताया जा रहा है ये जो टॉपिक है वो दूसरा है अब एक बात और आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कमेंट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि एग्जाम में हम कितने मार्क्स पे कितना कितना लिखे कोई पांच नंबर का है क्वेश्चन और आप वहां लिख के आ रहे हो दस पेज तो क्या ये जरूरी है तो बेटा ये सरासर आपके लिए गलत हो जाएगा आपको नंबरिंग के हिसाब से अपनी कॉपी लिख के आनी लेकिन नॉलेज के हिसाब से आपको पाँच परसेंट आप अगर आपको पढ़ाया जा रहा है आपको चाहिए दस परसेंट एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन करें और ज़्यादा ज़्यादा सीखने की कोशिश ज़्यादा करें लेकिन एग्जाम में उतना ही लिख के आए जितने का आपको नंबर पता चला कि एक पंद्रह नंबर का क्वेश्चन था पाँच नंबर का एक क्वेश्चन था आपने इसमें ही सारा टाइम वेस्ट कर दिया फिर इस पंद्रह नंबर के क्वेश्चन में लिख के क्या हो गे? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे जो नंबर दिया हुआ होगा कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉपी लिख के आनी है बेटा जी हम्म <laughs> हम्म बिल्कुल पांच नंबर पे आपको मिनिमम दो पेज और दो पेज या फिर तीन पेज ऐसे नहीं कि बस थ्योरी लिख दी भर दिया गंदी राइटिंग है कोई डायग्राम नहीं बनाया बस चल रहा है काम बिल्कुल नहीं दो पेज भी लिखोगे तो इतने अट्रैक्टिव आपको वो लिखने हैं एग्जामिनर ने आपकी कॉपी देखी तो बस एक बार देखते ही उसको लगे कि हां बच्चे में कुछ तो है और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इतनी गंदी राइटिंग लिख के आते हैं चाहे उन्हें सही भी लिखा हो एग्जामिनर का वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है कॉपी देखते ही आगे आ जाओ डिफ्रेंशिएशन डिफरेंशिएशन भी एक अलग है यहाँ आपकी एक सेल है आपको पता है आपके टोटल इलेवन बॉडी सिस्टम्स हैं और हर एक सिस्टम में अलग अलग तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है हर एक पार्ट पे अलग अलग तरीके की सेल्स होती है आपका ब्लड ले लो ये आपका ब्लड वेसल्स है ब्लड के अंदर अलग अलग सेल्स हैं जैसे डब्लू सेल हो गया आर सेल हो गई प्लेटलेट सेल्स हो गई यहाँ सेक्स सेल कौन सी होती है मेल के अंदर स्पर्म फीमेल के अंदर ओवम ये मसल सेल्स हो गई ये फैट सेल्स ये बोन सेल ब्लड सेल्स हुई जो मैंने बताया आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स यहाँ आपका ये यह हटेगा कैसे ये हटा हु, नर्वस सेल्स ये नर्वस सेल्स हो गई सेल्स हो गई तो सेल्स बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की है तो उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया गया है सभी का आगे आ जाओ अरे रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में तो आपको इजी ही समझ में आ रहा है रेस्पायरेशन मतलब गैस एक्सचेंज प्रोसेस इसमें हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और बाहर से एयर से हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू रेस्पायरेशन प्रोसेस है ना तो ये हमारे लंग्स हैं ये ट्रैकिया है ब्रोंक्यूल्स हैं ये आपके एल्वोलाई अल्व, है यहाँ डायफाम होता है तो रेस्पिरेशन में ही पड़ेगी रेस्पिरेशन मीन्स आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो ऑक्सीजन को ले रहे हो बस सिंपल इतना समझो डाइजेशन डाइजेशन भी बिल्कुल सिंपल है पाचन तंत्र अगर आपका पाचन तंत्र नहीं होगा तो आप खाने को पचाओगे कैसे डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इन्जस्टिड फूड इन टू सिंपल मोलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्व इंटू द ब्लड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी सिंपल भाई डाइजेशन क्या कर रहा है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि ये इजिली ब्लड उसको एब्जॉर्व कर सके और पूरी बॉडी लाइज पूरी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जा सके ठीक है आओ आगे एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन का क्या मतलब है भाई हमने जो वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर है उसको भी तो हमें बॉडी से बाहर बाहर करना है तो एज अ यूरिन ये क्या काम करता है फिल्ट्रेशन का काम करता है ये आपकी दो किडनी है इसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं ये यूरेटर तो यहां अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे सिर्फ यहां ये यह समझना है एक्सक्रिएशन में ब्लड का क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है तो जो अच्छा अच्छा जो पार्ट है जो अच्छा प्योर ब्लड है उसको बॉडी में रिओब्सॉर्व कर दिया जाता है और जो वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू पास कर दिया जाता है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिया जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर करते हैं एक्सक्रिएशन के अंदर ठीक है क्लियर आगे आ गया जाओ यहां पे छोटा सा फ्लो चार्ट आपको दिख जाएगा आप जितना कोशिश हो सके फ्लो चार्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें एग्जाम में जितना फ्लो चार्ट का यूज करोगे उतना ज्यादा आपको भी बेनिफिट है और आपके जो एग्जामिनर है वो जो कॉपी चेक करेंगे उनके लिए भी बेनिफिट है क्यों फ्लो चार्ट से ये एग्जामिनर अंदाजा लगा लेगा बच्चे को सारी चीज़ें आती है जब आप फ्लो चार्ट बना करके फिर उसके बाद थियोटिकल पोर्शन लिखोगे तो एग्जामिनर थियोटिकल पोर्शन को बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं आपके इससे ही समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है ठीक है तो यहाँ मेटाबोल मूवमेंट क्या कर रहा है ऑल लिविंग थिंग्स मूव इवन प्लांट प्लांट्स प्लांट्स सब यहाँ पे मूव move कर मूवमेंट कर दें रेस्पायरेशन सेंसिटिव डिटेक्टिंग चेंजेस इन द सराउंडिंग हमारे चारों तरफ या हमारी बॉडी के इंटरनल इंटरनल एन्वायरमेंट में या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये सेंसिटिव के अंदर आ जाएंगे से, मतलब सेंस कर रही है हमारी बॉडी कि बाहर गर्मी है तो अंदर ठंड कर दी जाए है ना ये आ गया ग्रोथ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रोथ ग्रोथ करती है रिप्रोडक्शन हो गया एक्सक्रिएशन हो गया न्यूट्रिशन हो गया सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी खत्म कहानी समझ में नहीं आया आ गया समझ में बेसिक लाइफ प्रोसेस इतना ही आपका इनफ है जितना आपने यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे अब मुझे बताओ किसी को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चलो थोड़ी सी अब आपसे कर लेते हैं बातें तो मुझे फटाफट बता दो चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको अगर आप कोर्स विजिट करते हैं तो ओके जी कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन है हमारे तो यहां ये आपको कोर्स दिख जाएगा जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रनिंग है आपको कंप्लीट कोर्स की स्टडी करनी है कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने हैं डेली लाइफ क्लास में तो आपको कोर्स ज्वाइन करना है दिस इज फर्स्ट सेमेस्टर मास्टर कोर्स इसके अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है जैसे ही आप मास्टर कोर्स पे क्लिक करते हो तो जाओगे कंटेंट पे कंटेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसके अंदर 324 वीडियो हैं, 145 फाइल्स हैं 34 टेस्ट है ठीक है अब भाई हमने इसको कर लेना है ओपन इसपे जैसे आप क्लिक करोगे कंटेंट की बात कर रहे हैं, कंटेंट पे जाके आपको क्लिक करना है यहाँ आपको टाइम टेबल मिल जाएगा डेली किस टाइम क्लास हो रही है ये आपको सारी डेमो वीडियोस मिल जाएंगी एच की एनालिसिस की सुटिक्स की इनऑर्गेनिक की चारों डेमो अनलॉक है आप जाकर के देख सकते हो यहां पे आपके डेमो नोट्स अपलोडेड है नोट्स आप देख सकते हो किस तरीके के नोट्स यहां पे है आ जाओ आगे एच एपी एनालिस इनऑर्गेनिक सुटिक्स चारों की ऑलरेडी पांचों यूनिट कवर करवा के रिकॉर्डेड फॉर्म में यहां पे अपलोड कर दी गई है अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं ठीक है आगे आ जाओ फर्स्ट सेमेस्टर का आपको सिलेबस मिल जाएगा या जिसे सिलेबस देखना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा जाकर के दिसंबर में क्योंकि दिसंबर में इसलिए बेनिफिट होगा नवंबर दिसंबर के स्टार्टिंग में हमने कोर्स कंप्लीट कर देना है सारा फिर आएंगे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बारी तो यहाँ पे धड़ाधड़ दढ़ वीडियो अपलोड होंगे फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज इस फोल्डर में अपलोड होना शुरू हो जाएंगे दिसंबर में ठीक है और जिसे टेस्ट हर सैटरडे जो टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट के में मिल जाएगा अब यहाँ पे आपको अगले फोल्डर में आओगे लाइव क्लासेस अगस्त टू अक्टूबर यहाँ पे क्या है जी जो आपकी लाइव क्लासेस हुई हैं अभी अगस्त से अक्टूबर के बीच में यहाँ पे कोर्स कंप्लीट पूरा हो गया है लाइव क्लास के अंदर एक बार तो पूरा अपलोडेड है यहाँ पे पहली लाइव क्लास में और जो अभी एक नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसकी लाइव क्लास आपको नवंबर दिसंबर 2022 के नाम से यहाँ मिल जाएगा तो ये आपका अभी जो रनिंग में चल रहा है लाइव क्लासेस इस फोल्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी देखो लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट ये अभी न्यू बैच जो चल रहा है यहाँ टेस्ट दे सकता है यहाँ से लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की अटेंड कर सकता है ठीक है कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलो ठीक है जी ये सारा का सारा कंटेंट आपको मास्टर क्लास में मिलने वाला है और इसके साथ जाएगी जो आपकी ऑल इन वन वाली नोटबुक है ऑल इन वन वाली जो नोटबुक है वो आपके घर पे डिलीवर की जाती है अब इसका जो कोर्स प्राइस है वो है इक्कीस सौ रुपये इक्कीस सौ में आपको चारों सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लासेस आपके घर पे होम डिलीवरी कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा कुछ नहीं इक्कीस सौ पे करने हैं मात्र अब आपके पास भाई बोलोगे मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मुझे थोड़ा और कम मैं थोड़ा सा और कम वाला कोर्स लूंगा इसकी वैलिडिटी आठ महीने तक रहेगी अब क्रैश कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है जिसकी वैलिडिटी मात्र तीन महीने के लिए है दिस इज क्रैश कोर्स बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर दिस इज क्रैश कोर्स बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स जैसे आप क्रैश कोर्स पे क्लिक करते हो तो आपको सारी चीजें यही चेक करने को मिल जाएगी यहां आप चेक कर सकते हो कि कंटेंट में जाके क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं ये अब जो रनिंग में लाइव क्लासेस चल रही है एक नवंबर से जो न्यू बैच चला है यहां पे आपको वीकली टेस्ट लाइव क्लास मिल जाएगी डेमोज मिल जाएंगे सारे रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएगी सारी ठीक है और इसके अंदर पंद्रह सौ रुपये में इसका जो चार्ज है वो है पंद्रह सौ रुपये पंद्रह सौ रुपये में आपके घर पे हैंड रिटर्न नोट्स की होम डिलीवरी होगी और डेली लाइव क्लासेस मिलेगी ठीक है अगर भाई कोई इतना भी नहीं पे कर पा रहा है तो आप आ जाओ डिजिटल कोर्स पे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर डिजिटल कोर्स पे क्लिक करोगे इसमें होम डिलीवरी नहीं होगी लेकिन आपको लाइव क्लासेस मिलेगी तो यहाँ इस तरीके से आप लोग सारा कंटेंट चेक कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर बने हुए अब आपको लाइव क्लास कैसे अटेंड करनी होगी अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो लाइव क्लास कैसे अटेंड करोगे कंटेंट के बाजू में ही दिया गया है यहाँ पे लाइव क्लास ये राजी लाइव क्लास दी गई है तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम है उस टाइम पे यहां ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ जाता है तो आप यहां से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो अब बताओ सारा चीज मैंने यहां पे समझा दी सेम कंटेंट थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है आप यहाँ पे सेम वही चीज कर सकते हैं ठीक है तो टॉपिक भी कंप्लीट मैंने कोर्स के बारे में भी पूरा कंप्लीट बता दिया है ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ही प्ले स्टोर से बी एस पी फार्मेसी डाउनलोड कर लीजिए वहां से क्लासेस करना शुरू कर दीजिए एक महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा और एक महीने के जस्ट तुरंत बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो जाएगी तो मास्टर बनने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट कर दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के आपको कितने कितने सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं है ना तो जल्दी से जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कोर्स में ज्वाइन करो फटाफट ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में सेम टाइम सेम जगह बाय बाय टेक केयर